शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सर, बॉस आज ही आ रहा है, आज ही करना होगा। मैं आ रहा हूं सर। आज तुम्हें छोड़ के जाना होगा, पर वादा करता हूँ कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास बनाऊंगा। बहुत खास होगा कल का दिन तुम्हारे लिए, अभय, जब तुम्हारा स्वागत जेल में होगा। इतनी रात को कीर्ति कहाँ जा रही? हो सकता है अब उन्हीं से मिलने जा रहे हो जिन्हें वो सर कह के बुलाते हो, मगर वो गन लेकर क्यों जा रहे थे? कि चल क्या रहे? आखिर वो इंसान है कौन? कौन है वहां पे? कौन है? कौन है वहां पर? सर प्लीज उस पैकेट पे नजर डालिए। कोई नहीं। चलो अभय त्रिपाठी मेरे सबसे खास एजेंट। सर जैसा आपने सोचा था आज एकदम वैसा ही होगा। उस बब्बर शेर गैंग का बॉस, उसका सामना करने के लिए मैं तैयार हूं सर। अभी मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकता, पर चिंता मत करो, तुम्हें सब बता दूंगा बहुत जल्द। हम दो दिन में कर दिखाएंगे सर, हम हमारे मकसद के बहुत करीब हैं, बस कोई गड़बड़ ना हो। इसका मतलब अभय पहले दिन से ही पुलिस के लिए काम कर रहे थे, ताकि उस गैंग के असली लीडर को पकड़वा सके। आखिरकार असली चोर सामने आ ही गया, अभय त्रिपाठी बहुत छुप लिए शेर के मांस के पीछे। अब तुम्हारा और तुम्हारे गैंग के बीच का चूहे बिल्ली का खेल खत्म। अभय त्रिपाठी के नाम का अरेस्ट वारंट अभी जारी कराओ, राइट नाउ। अभय त्रिपाठी, अब तुम पुलिस के चंगुल से नहीं बच सकते, अब तुम कल की सुबह पुलिस लॉकअप में ही देखोगे। कल सुबह होने से पहले मैं उस बॉस को पकड़ लूंगा सर, उसे कल सुबह होने से पहले तक मैं जेल पहुंचा दूंगा सर। उसका चेहरा पूरी दुनिया के सामने होगा सर। थैंक यू भाई, तुम जैसे होनहार और समझदार नागरिक की वजह से पुलिस को ऐसे गुंडों को पकड़ने में मदद मिलती है। जब राजा ने तुम्हें किडनैप किया था, तुम अगर उस दिन मेरे पास आकर के ये सब सच नहीं बताते तो शायद हम उन्हें पकड़ने में
और देर लग सकती थी। थैंक यू तो मुझे सर आपका कहना चाहिए, आपको भरोसा ही था जिस समय बब्बर शेर गैंग के बॉस बनने का नाटक कर पाया। वो सारे चुराए हुए पैसे सही जगह पहुंचा पाया सर। सर मुझे खुद पे गर्व महसूस होता है कि मैं अपने शहर वालों की इतनी मदद कर पा रहा हूं। मुझे भी आप पर बहुत गर्व है अभय। एक बार फिर आपने मेरा भरोसा टूटने नहीं दिया, आपने फिर से साबित कर दिया कि मैंने आपका साथ देकर कुछ गलत नहीं किया, कि आपका साथ देकर बिल्कुल सही किया। रात को कौन हो सकता है? समझ में नहीं आ रहा है। अभय और श्रद्धा दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे। अब हो सकता है ना अभय हो, वो भी घर पे नहीं है अभी। हम देखते हैं भैया, ये लड़का भी ना, इतनी रात को बाहर जाने की क्या जरूरत है। पुलिस अभय त्रिपाठी को बुलाइए पहले। सिंह सर आप यहाँ? सब बताऊंगा, पहले ये बताइए कि अभय त्रिपाठी घर पर है या नहीं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, अभय तो घर पर नहीं है। सर आप इतनी रात को आए, पहले आप बताइए आप अभय को क्यों ढूंढ रहे हैं? हमारे पास अभय त्रिपाठी के खिलाफ अरेस्ट वारंट, हम अभय को गिरफ्तार करने आए। ऐसे कैसे हमारे बेटे को गिरफ्तार कर सकते हैं? मिसेस त्रिपाठी, आपका बेटा अभय त्रिपाठी शहर के सबसे खूंखार बब्बर शेर गैंग का लीडर है। मैं सड़क में किसी गाड़ी को रोक के मदद मांगती हूँ। सर आंखें खुली रखिए सर। सर श्रद्धा और इंतजार नहीं कर सकते, बहुत खून बह रहा है। हे माता रानी अब मैं क्या करूं? सर सर ये क्या है? अबे कोई गाड़ी नहीं मिली, जल्दी कीजिए सर, कोई स्पिलट आ दीजिए। पर कैसे? अबे हमें रास्ते में कोई गाड़ी दिखेगी तो हम उससे मदद ले लेंगे, फिलहाल हमें ही कोशिश करना होगा। जल्दी कीजिए, अबे जल्दी बिठाइए इन्हें। आप कुछ भी कहेंगे और हम मान लेंगे। नहीं हमारा बेटा चोरी बिल्कुल नहीं कर सकता है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपको किसी ने गलत खबर दी है। खबर इस बार पक्की है, वो भी ठोस सबूत के साथ। चाचा जी
कीर्ति, तुमने तो डॉक्टर साहब इन्हें कुछ होगा तो नहीं ना, प्लीज इन्हें बचा लीजिए, ये पुलिस कमिश्नर हैं। देखिए गोली सीधा उनके सीने में लगी है, दिल के पास। मैं भी कुछ नहीं कह सकता, पर हाँ हम पूरी कोशिश करेंगे। तब तक आप सारे जरूरी फॉर्म भर दीजिए। अब डॉक्टर साहब कमिश्नर सर को ठीक कर देंगे, आप थोड़ा तो भरोसा रखिए। तुम पे भरोसा करने का नतीजा और तुम्हारा पागलपन दोनों देख चुका हूं मैं, तो तुम तो शांत रहने की सलाह मुझे मत ही दो तो अच्छा है। अगर कमिश्नर सर को कुछ हो गया तो हमारा सारा मिशन अधूरा रह जाएगा, सारा प्लान खराब हो जाएगा हमारा। तो ये प्लान तुम्हारा था, इतने समय तक तुम हम सबसे झूठ बोलती रही। आपकी नौकरी जाने की तकलीफ हम सबको थी, लेकिन आपने इतना बड़ा नाटक किया, क्यों? बोलो कीर्ति, इतना बड़ा धोखा तुमने क्यों दिया? कीर्ति जवाब दो। हम सिर्फ और सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे थे, और श्रद्धा जो झूठ का साथ कभी नहीं देती, उसने अभय के झूठ में उसका साथ दिया। श्रद्धा को पता था कि अभय चोर है, और फिर भी उन्होंने ये सच हम सब से छुपाया। सच निकालने के लिए हमें भी झूठ का सहारा लेना पड़ा। इसका मतलब है इतने दिन तुम नौकरी जाने के ढोंग में हमारे बेटे के लिए जाल बिछाती रही। एक नहीं, ये दोनों बहनें दुश्मन बन बैठी हमारे घर की। दुश्मन? फर्ज का मतलब भी समझती हो आरती? हमने शपथ ली कि देश के हर मुजरिम को सजा दिलवाएंगे, और अभय के खिलाफ हमारे पास ठोस सबूत है, उसका चेहरा देखा गया है चोरी करते हुए। चोर है वो। झूठ, झूठ बोल रही हो तुम, और खबरदार जो दोबारा तुम हमारे बेटे को चोर बोली हो तो। डॉक्टर 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 सर कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? गोली निकाल दी है, अभी स्टेबल है, लेकिन 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 क्या डॉक्टर? वो कोमा में। क्या कमिश्नर सर कोमा में? नहीं, ये नहीं हो सकता। सर उन्हें होश तो आ जाएगा ना? गोली सीने में लगने की वजह से उनका बहुत खून बहा है, इससे पेशेंट की जान को खतरा हो जाता है। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता कि कितनी देर में होश आएगा। क्या करूंगा मैं? अगर अगर कमिश्नर सर को होश नहीं आया तो मैं साबित कैसे करूंगा कि मैं अब्बा शेर गैंग का लीडर नहीं हूं, बल्कि पुलिस कमिश्नर का खास एजेंट हूं। अभय, मुझे पूरा यकीन है कमिश्नर सर को होश आ जाएगा, और वैसे भी जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं है, पुलिस के पास आपके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सब ठीक होगा, आपने कोई गुनाह नहीं किया है। हमारा बेटा गुनहगार नहीं है, और हम भी देखते हैं कि तुम कैसे उसको गिरफ्तार करती हो। चाची जी, हमें पता है ये सच्चाई जान के आपको ठेस पहुंची, पर अभय के खिलाफ हमारे पास ठोस सबूत है। सच यही है कि अभय चोर, और ना चाहते हुए भी हमें हमें उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। कीर्ति, तुम आस्तीन का सांप निकली, और तुम हमें अपनी पुलिस होने का रौब दिखा रही हो। मिसेस त्रिपाठी, आप याद रखिए कि एएसपी कीर्ति त्रिपाठी इस वक्त आपकी बहू नहीं,
बल्कि ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर है, और एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाने के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार कर सकता हूँ। वही तो, ये पुलिस की ड्यूटी पे अपनों की बलि चढ़ा सकती है, लेकिन बहू की ड्यूटी ये इसके लिए कोई मायने नहीं रखती। कीर्ति, इतना बड़ा नाटक करने से पहले आप घर के बड़ों के साथ इस बारे में बात कर सकती थी ना। हम सब मिलकर अभय का सच जानने की कोशिश करते। कोशिश की थी हमने माँ, पर हमारे बात पे किसी को भरोसा ही नहीं हुआ। बेटा, तब बात साबित नहीं हुई थी, अभी भी गलत फहमी हो सकती है ना। आपने मुझे एक बार भी बताया तक नहीं और सीधे वारंट निकाल दिया। कम से कम मुझसे एक बार बात तो करनी चाहिए थी। रहने दीजिए चाचू, जब इसने मुझे अपने पति को कुछ नहीं बताया तो हम अब इससे उम्मीद भी क्या कर सकते। उम्मीद? और हमारी उम्मीद का क्या, जो हमें इस पूरे परिवार से थी। कहां थे आप लोग जब दुनिया वाले हमारे मुंह पे काली पोत कर गए, जब मोहल्ले वाले हमारा मजाक उड़ा रहे थे, जब हमें हमारी नौकरी छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा था। अब गुस्सा आ रहा है, तब तो हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था। पर आप वरुण जी, आपकी खुशी तो छिपाई नहीं छिप रही थी। आप तो यही चाहते थे ना कि कैसे हमें घर में बैठा लिया जाए। अरे कैसे पति है आप कि अपनी ही पत्नी की तरक्की से चल रहे थे आप। तभी से बात करो कीर्ति मुझसे। वरुण, बहू से आप ऐसे बात नहीं कर सकते। और जो बदतमीजी ये कर रही है चाचू, गलत ये, झूठ इसने बोला, धोखा इसने दिया, और ये उल्टा हम पे चिल्ला रही है। एक मिनट वरुण, अगर कीर्ति बहू ने कुछ किया है तो अपनी ड्यूटी की वजह से किया है, पर मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। और अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो मैं उसे खुद पुलिस के हवाले करूंगा। माता रानी, यहाँ तो अनुज भाई यही बिदक जाएंगे अगर उन्हें अभय की सच्चाई पता चल गई तो। इससे पहले कि उसका भांडा फूटे, श्रद्धा जल्द से जल्द अभय को पुलिस के हवाले खुद ही करवा दे। ये सब हो क्या रहा है? ना अभय घर पर है, ना वो श्रद्धा, और अभय ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। हेलो एएसपी कीर्ति त्रिपाठी, क्या कह रहे हो? क्या? हाँ, हम लोग अभी आ रहे हैं सर, हमें फौरन निकलना होगा। क्या हुआ सर? कमिश्नर सर को गोली लगी है, वो हॉस्पिटल में है, कोमा में। क्या? गोली चलाने वाला इंसान वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। अभय त्रिपाठी, अभय को कमिश्नर सर के साथ किसी ने देखा था। इसका मतलब यह है कि अभय त्रिपाठी पर अब सिर्फ चोरी का ही नहीं बल्कि पुलिस कमिश्नर पे अटैक का चार्ज लगेगा, जिंदगी भर जेल में सड़ेगा वो। नहीं सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभय किसी का खून नहीं कर सकते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। सच तो सबके सामने आ ही जाएगा, इससे पहले कि वहां से वो भाग जाए हमें उसे पकड़ना ही होगा। लेट्स गो। चाहे हम सबको कितना ही परेशान क्यों ना करे, लड़ाई झगड़े क्यों ना करे, लेकिन वो किसी की जान नहीं। तनुजा, आंटी जी, तनुजा, आंटी जी, तनुजा, हमारे बेटे को पुलिस से बचाओ, वो उसे फंसा देंगे, उसने किसी की जान नहीं ली। पानी पी लीजिए। जहर क्यों नहीं दे देती? सॉरी, टेंशन में हूं ना, प्लीज तुम रोने मत लग जाना। वो गलती से गुस्से में फेंक दिया मैंने, मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभय,
मुझे ऐसा लगता है ना, हमें घर जाके सबको ये बात बता देनी चाहिए। अभय कीर्ति भले ही अभी पुलिस में नहीं है, लेकिन वो पुलिस वाले को जानती तो है ना। जी बुआ जी, श्रद्धा श्रद्धा कहाँ हो और अभय कहाँ है? क्या उसने कमिश्नर सर पे गोली चलाई? पर बुआ जी, ये बात आपको कैसे पता चली? कीर्ति को ये बात पता चली है और सारा इल्जाम अभय पर आया। सच सच बताओ, क्या हो रहा है? बुआ जी, अभय ने कुछ नहीं किया है, अभय ने गोली नहीं चलाई है। हम एक बार घर आ जाते हैं, उसके बाद सब कुछ समझाते हैं। नहीं, घर के आसपास भी बताना और जितना हो सके अभय को अपनी बहन से दूर रखो, क्योंकि वो हथकड़ी लेकर आई थी घर, उसे गिरफ्तार करने के लिए। कीर्ति रानी ही अफसर रानी है। मगर बुआ जी, कीर्ति ने तो इस्तीफा नाटक था, उसने ही सब कुछ नाटक किया था इस्तीफा, ताकि वो अभय के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। बुआ जी, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। घर जाऊंगा तो कीर्ति भाभी पकड़ लेंगी, बाहर मुझे पुलिस ढूंढ रही है, ना घर का ना घाट का, मैं क्या करूंगा? कमिश्नर सर वाली बात कीर्ति तक पहुंच गई है, इसका मतलब है कि पुलिस यहाँ आती होगी। कोई पुलिस को फोन लगाओ, बब्बर शेर गैंग का लीडर यही है, खूनी को भागने नहीं देंगे हम। अभय! मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। अगर अभय को कुछ भी हुआ ना, तो हम दो परिवारों की किस्मत की लकीरें हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।